हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कृषि कानूनों के बारे में बताया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सियासत तेज है। कांग्रेस इस उधेड़बुन में लगी है कि राहुल गांधी को ट्रैक्टर के माध्यम से हरियाणा के पीपली तक कैसे लाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी के आने की सूचना से ही बीजेपी सरकार बौखलाई और डरी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। शनिवार को भिवानी के दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। कोचली अनाज मंडी में बाजरे की खरीद का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल, राहुल गांधी पर जमकर बरसे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पटौदी की जाटोली अनाज मंडी का निरीक्षण किया। कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद पहुंची, किसानों को कानूनों के फायदे गिनाए। साथ ही तंज कसा के राहुल प्रियंका को यह भी नहीं पता कि आलू और प्याज जमीन के ऊपर उगते हैं या नीचे उगते हैं, वो क्या किसानों की बात करेंगे। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा है, आरोप कांग्रेस के नेता लखन सिंगला ने लगाए हैं। गुरुग्राम में कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंचकुला के दपाना गांव में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ, बच्चों को पेड़ों पर चढ़कर पढ़ना पड़ रहा था, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई। अब सोनू सूद ने गांव के मोबाइल नेटवर्किंग की सौगात दे दी है। सोना के गांव टेढ़ में पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच के पति के बीच रास्ता बनाने को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदेश सरकार की ओर से राइस मिलर एसोसिएशन की सभी मांगें मानने के बाद अब राइस मिलर अनाज मंडियों से खरीद कार्यों में उतर आए हैं। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद अंबाला में किसानों ने धरना खत्म कर दिया। झज्जर की अनाज मंडी में किसान बिना किसी परेशानी की अपनी फसल बेच रहा है। तो इधर कृषि बिलों को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों का आह्वान किया, 6 अक्टूबर को किसान सिरसा पहुंचे। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विकास गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए धोला गांव में लगाए गए कोरोना मुक्त जांच शिविर के बारे में बताया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शनिवार को जुलूस निकालकर उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बंदोबस्त करने वाले वर्करों ने शनिवार को भिवानी की सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, लोग रोष में हैं। रेवाड़ी की पुलिस लाइन में बने क्वार्टर की हालत जर्जर है, खस्ताहाल क्वार्टर में रहने को मजबूर पुलिसकर्मी। सरकार ने 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन ई खरीद पोर्टल के सुचारू रूप से काम नहीं करने से किसान परेशान है। टोहाना के नागरिक अस्पताल में लगभग 4 महीने के बाद आधार कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जहरीली हवा लोगों का दम घोट रही है। बिजली विभाग टोहाना को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली रिकवरी में 60% का नुकसान हो रहा है, 5,000 रूपये से ऊपर की रिकवरी के उपभोक्ताओं से रिकवरी के लिए विभाग के एसडीओ को आदेश जारी किया गया। सोनीपत के मुरथल के ढाबे पर खाना खाने गए एक शख्स की कार बदमाश लूटकर फरार हो गए।
फतेहाबाद में सदियों पुराने ऐतिहासिक और बदहाली और अवैध कब्जों का शिकार रही चिल्ली झील का काम शुरू हो गया है। फरीदाबाद में सेटरिंग के एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उससे पहले एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें एक शर्मा जी का नाम है। पलवल अपराध जांच शाखा ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जो गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसों का लालच देकर बैंक खाते ले लेते थे और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर ठगी करते थे। आईपीएल सीजन 13 में शनिवार को खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने राजस्थान को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल 2020 के अंतर्गत शनिवार को शारजा में खेले गए एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और फॉर्म में लौटी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। आईपीएल 2020 के अंतर्गत आज होने वाले दूसरे मुकाबले में केएल राहुल की किंग्स इलेवन पंजाब और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी।